भारत आदिवासी पार्टी से दरियावद विधायक थावरचंद डामोर को जान से मारने की धमकी मिलने का मामला सामने आया है और इसके बाद अब राजस्थान में सियासी बवाल खड़ा हो गया है। आदिवासियों का आरोप है कि बीजेपी पार्टी के कुछ लोगों द्वारा आदिवासी विधायक थावरचंद डामोर को ये धमकियां दिलवाई गई है और रविवार को उनके साथ अभद्र व्यवहार भी किया गया। बाप पार्टी के संस्थापक और बांसवाड़ा डूंगरपुर से सांसद राजकुमार रोत ने भी इस मामले को लेकर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट भी किया है। राजकुमार रोत ने किसी व्हाट्सएप ग्रुप का एक स्क्रीनशॉट अपने इस पोस्ट में शेयर करते हुए लिखा है कि भाजपा नेता व उनके भक्तों द्वारा आज भारत आदिवासी पार्टी के विधायक एवं पदाधिकारियों के साथ धक्का मुक्की एवं मारपीट की घटना हुई और बीजेपी के लोग सोशल मीडिया पर खुलेआम विधायक का मर्डर करने की धमकी दे रहे हैं। इसके आगे राजकुमार रोत ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को टैग करते हुए लिखा कि राज्य में भाजपा का गुंडा राज चलाना चाह रहे हैं। वहीं विधायक थावरचंद डामोर ने भी अपने फेसबुक अकाउंट पर लिखा है कि भाजपा की सरकार में आदिवासी विधायक सुरक्षित नहीं है तो आम आदिवासियों की क्या हालत होती होगी। उन्होंने आगे लिखा है कि एक जनप्रतिनिधि पर पत्थरबाजी व अभद्रतापूर्ण व्यवहार करने वाले गुंडों को तुरंत गिरफ्तार कर कठोर कार्यवाही अमल में लाई जावे। जानकारी के मुताबिक दरियावद विधायक लसाड़िया ब्लॉक में चटकिया में जिला स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिता के शुभारंभ के लिए पहुंचे थे। बताया जा रहा है कि प्रतियोगिता के उद्घाटन के दौरान विधायक डामोर के साथ अभद्र व्यवहार किया गया। जानकारी के मुताबिक जैसे ही विधायक डामोर उद्घाटन के लिए खड़े हुए वैसे ही वहां पर मौजूद कुछ लोगों ने उनका विरोध शुरू कर दिया और इस दौरान पत्थरबाजी की गई, ऐसी भी जानकारी सामने आई है। खुद विधायक थावरचंद डामोर ने सोशल मीडिया के माध्यम से ये जानकारी सभी के साथ शेयर की है। वहीं इस घटना के बाद रविवार को लसाड़िया के एसडीएम कार्यालय के बाहर धरना प्रदर्शन भी किया गया जिसमें खुद विधायक डामोर शामिल हुए और इस धरना प्रदर्शन में जल्द से जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर कठोर कार्रवाई करने की मांग की गई है। इसके साथ ही जानकारी ये भी मिली है कि आरोपियों के खिलाफ विधायक थावरचंद डामोर उनके समर्थकों की ओर से नामजद एफआईआर भी दर्ज करवा दी गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।